नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अनामिका पांडे। आ गई, दुनिया पलट जाएगी, पर ये न्यूज वाले। सीमा हैदर कहाँ गई है? पिछले 36 घंटे से गायब है सीमा। कितने घंटे से गायब है सीमा? पिछले 36 घंटे से गायब है सीमा। ओ सॉरी, मैं भूल गया था, 36 घंटे से गायब है। सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। अरे सुधर जाओ, वरना ये लठ पड़ेगा ना, हमारा न्यूज भूल जाएगा सब। वर्ल्ड रैंक में साले न्यूज वाले, इंडिया के वर्ल्ड रैंक में न्यूज वाले बहुत नीचे हैं, कि ये लोग हकीकत खबर नहीं दिखाते हैं। और जो हकीकत खबर नहीं दिखाएगा और उन्हें व्यू के चक्कर में पड़ेगा, उसका दुनिया में जो रैंक होता है ना न्यूज का, वो नीचे चला जाएगा। तो इंडिया का यही हाल है, क्योंकि झूठ झूठ मूड का खबर बनाने में, टीआरपी कमाने में, रिलैक्स कराने में बहुत खतरा ये लोग माहिर होते हैं। कोई जानकारी उसके बारे में नहीं लग पा रही है। सचिन भी यह दावा कर रहा है, पड़ोसियों ने भी दोनों को नहीं देखा है, यह दावा किया जा रहा है। अंदर लोग हैं, आवाज हमें आ रही है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है सचिन। अच्छा, दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजा नहीं खुल रहा है, बहुत बड़े कमीने हो यार तुम लोग। सीमा देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये दरवाजा खुलवाया जाए, ताकि हमें पता लगे कि क्या वाकई सीमा हैदर अंदर है। भाई एक चीज तो है, अगर मैं वहां पे होता, गलती से उसके घर का सदस्य होता, तो न्यूज वाले को इतना दौड़ा दौड़ा के मारता कि क्या बताऊं। क्योंकि साले देश का, जो कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बस सीमा हैदर। क्या चक्कर है भाई? और भी गरीब लोग होंगे, लोग भूखे सो रहे होंगे, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, पूरा बताओ। एक लोग के का जरूरत थोड़ी है भाई, बस मीडिया टीआरपी कमाने में लगी है। भाई मैं नहीं हूं, बहुत खतरनाक आदमी हूं, अगर मैं होता तो पक्का बोल रहा हूं, इतना लाठी मारता ना, न्यूज रिपोर्टर वाले साले सब भूल जाते हैं। हम मुझे तो लगता है रिपोर्टिंग करने जहां जाते हैं, उनको साले को लात से मार के भगाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग हमेशा नहीं होता, दिन भर वहीं से वहां बैठने से नहीं होता है। ये रिपोर्टिंग करने जाते साले दिन भर मैट लिए बैठे रहते हैं, किसी एक मिनट का मिल जाए, दो मिनट का इंटरव्यू मिल जाए, उन्हें टीआरपी मिल जाए, उन्हें व्यूज चाहिए बस। कहां पर है सीमा? हमको नहीं मालूम, हमने यहां खड़े, आपको पता है सीमा? नहीं जी नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं। दोस्तों ये बात मैं मानता हूं कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे कंट्री में जाता है विदाउट वीजा के, तो अनलीगल है, लीगल तरीके से जाना चाहिए। मानता हूं सीमा इसे भाग के आई है, बहुत समझ रहे, फिर भी एक इंसानियत के नाते एक महिला है, वो एक इंसान है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। न्यूज वाले तो टीआरपी के चक्कर में पूरा रिस्पेक्ट भूल गए हैं कि ये इंसान है, महिला है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, उनसे कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस टीआरपी चाहिए, दिखाना है, लोग को परेशान करना है। पाकिस्तान से एक महिला बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में दाखिल हो जाती है, आईबीओ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी। देश की भोली भाली जनता को कुछ मतलब ही नहीं होता, जो लोग बोल दिए, जो टाइटल में लिख दिए, ये लोग हकीकत मान लेते हैं कि हाँ सही है। अरे टाइटल में लिखने से बोलने से कुछ नहीं होता है, जब उसका लोग इंटरव्यू लेता है ना, तब मालूम चलता है कि हाँ वो उसका बिहेवियर क्या है और क्या उसके इंटरनल में क्या चल रहा होगा, मालूम चल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।